अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो मैंने पार्ट टू अब बना लिया है, जो कि हम अब शाही किला के अंदर जाने लगे हैं। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी था इसलिए मैं बना नहीं सका व्लॉग, लेकिन अब मैंने इंशाल्लाह डाल दी है। और अभी हम जा रहे थे शाही किले की तरफ, मतलब एंट्रेंस से तो अंदर आ गए हैं, वही शाही किला ही है सारा ही। तो अभी हम आगे जाते हैं, फिर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी ग्रीनरी है, और इन्होंने कितने अच्छे अच्छे मतलब के सेट करके रखा हुआ है। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको, और लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, सारा पब्लिक एरिया अंदर, मतलब बादशाह होके रहने के ज़माने की सारी चीज़ें हैं, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद हम फिर जाते हैं उधर, एक गैलरी है, मैं वहाँ जाके आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने पुराने ज़माने के जैसा सफाई वगैरह होते हैं तो वो उन्होंने बने हुए थे। तो बाहर में मंदिर गए थे तो पुराने ज़माने के जो सिक्के होते हैं, पैसे, वो मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लिखे हुए थे, काफ़ी मतलब चीज़ें थी एक्सपेंसिव। मस्जिद का मॉडल था। उसके बाद हम गैलरी में गए थे तो उधर हमें काफ़ी मतलब पुराने ज़माने की जो तस्वीरें वगैरह होती हैं, उनके सिपाही बादशाह वगैरह, उन्होंने बनाए हुए सारा तरीक़ाकार, और बाकी अल्लाह का कलाम वगैरह, और ये जिस तरह पुराने ज़माने के सारे हथियार हैं, गन्स वगैरह हैं, और ये उनका सारा सेटअप होता है, ढोल वगैरह सारा मतलब, और ये उनके हथियार होते थे। और ये जो घोड़ा है, ये रंजीत सिंह काना का घोड़ा है। और बाकी जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके बाद गोलियाँ बम वगैरह होते थे सारा, मतलब वो पुराना था उनके पास। बहरहाल इसके अंदर सिर्फ यही देखने वाली चीज़ें थी। और जैसे कि मैंने बताया था, रंजीत सिंह काना का घोड़ा ही है। और उसके बाद ये हम बाहर गए थे तो एक सांप वाला बैठा था, तो उसने तस्वीर बनाने के लिए तो रखा था सांप। मैंने अपने कज़न के ऊपर बैठा, मैंने कहा देखो, डर गया था वो भी। तो बहरहाल हम यहाँ से निकलने लगे थे, सोचा कुछ खा पी लें, तो साथ ही हवेली थी, सोचा उधर चलते हैं। लेकिन उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिए, क्योंकि वो कहते हैं फैमिली साथ उनकी है, लेकिन हम तीन लोग थे बस, तो इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत अंदर से नज़ारा था, बट मैं नहीं बना सका इसकी वीडियो। तो अभी हम निकल गए आगे, दरबार पे जाना था, तो अब हम उधर जा रहे हैं। बस हम अब दाता दरबार के अंदर जाने लगे थे, तो गली वाली साइड से जा रहे थे, क्योंकि फ्रंट साइड पे भी काफ़ी थोड़ा सा आगे चलना पड़ना था, तो हम गली वाली साइड से अंदर जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको सारी आगे वीडियो शेयर करूँगा, बस दाता दरबार भी बनानी है पार्ट 3, और फिर एंड हो जाएगा व्लॉग हमारा ये वाला। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, फॉलो, कमेंट्स वगैरह और सब्सक्राइब प्लीज़ लाजमी करना, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं। और जैसे जौन सी वीडियो आप बनाना मतलब कहते हैं, मैं वो बनाता हूं, जिसमें कुकिंग वगैरह की होगी और भी छोटे मोटे व्लॉग आ जाते हैं, इंशाल्लाह मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।